उधम सिंह नगर के बोर जलाशय में 4 दिवसीय राष्ट्रीय कैनो स्पेट सीनियर मैन और वुमेन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 25 राज्यों सहित सैन्य से जुड़ी 2 टीमों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसका केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। वहीं किसी भी खतरे से निपटने के लिए NDRF और STRF सहित वन विभाग और पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। इस दौरान खिलाड़ियों ने पहली बार स्टैंड अप स्लैलर और पेडलर गेम्स का प्रदर्शन किया है। रुद्रपुर से संवाददाता मुकेश मंडल की रिपोर्ट। 27 राज्यों के बच्चों ने यहां प्रतिभाग किया है और एक इतिहास रच दिया है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत इस गेम में होती है। अभी 27 तारीख को जो गुजरात में मेरे अंदाज से नेशनल गेम होने वाले हैं, उसके लिए 8 टीम यहीं से सेलेक्ट होंगी। हमारा सौभाग्य है कि हमको उत्तराखंड वासियों को यह मेज़बानी करने का मौका मिला है।